नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर और आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैं जॉन मिल्टन की एक बहुत ही वंडरफुल पोएम जिसका नाम है व्हेन आई कंसीडर, और या फिर कहें ऑन हिज ब्लाइंडनेस या फिर कह दीजिए सॉनेट नंबर 19। ये तीनों नाम एक ही पोएम के हैं। पूरी इस पोएम के बारे में जानकारी हम लोग करेंगे, लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिले। बाकी कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ये जो नंबर दिए हुए हैं या नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी आ जाएगी। या फिर आप हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप को इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, आपको हमारे कोर्सेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस पोयम को। इस पोयम को जो मैं पढ़ा रहा हूं गाइस लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूं, एक एक लाइन और सारी चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे। वैसे अगर देखा जाए ऑन हिज ब्लाइंडनेस और व्हेन आई कंसीडर और सोनेट नंबर 19, ये तीनों नाम एक ही के हैं। जैसे सोनेट नंबर 19 लिखा है व्हेन आई कंसीडर, और इसी पोयम को बोला जाता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब अगर इस पोयम की मैं बात करूं तो ये पोयम लिखा किसने, तो ये लिखा था बेसिकली जॉन मिल्टन ने, क्योंकि ये पोयम ही है जॉन मिल्टन की। और अगर मिल्टन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करी जाए तो मिल्टन एक प्यूरिटन टाइम पीरियड के पोएट थे, प्यूरिटन एज के। और प्यूरिटन एज के बारे में मेरा डिटेल वीडियो आपके इसी चैनल पर लिटरेचर लवर्स पर पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं प्यूरिटन एज के बारे में। तो ये प्रोमिनेंट फिगर थे जो मिल्टन थे, जॉन मिल्टन, आपके प्यूरिटन टाइम पीरियड के। और इनके लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इनका जो बर्थ होता है 1608 में और डेथ हो जाती है 1674 के टाइम पीरियड में। इनके कुछ वेल नोन वर्क्स की अगर बात करें, कौन से अच्छे अच्छे वर्क लिखे, तो जैसे इनका एक है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट है एक इनकी, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड है, पैराडाइज रिगेन्ड। इसके साथ साथ इन्होंने कॉमर्स भी लिखा हुआ है, एक बहुत ही फेमस इनका वर्क है। और साथ में इन्होंने एक एलिजी लिखी है, लिसिडस नाम की एलिजी है। और एक पोयम इन्होंने शेक्सपियर के लिए लिखा है, ऑन शेक्सपियर वाली पोयम है जो बहुत ही फेमस है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन एक इनका प्रोज ट्रैक्ट है जिसका नाम है एरोपैजिटिका। तो ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं जिनको आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल जानकारी के लिए आपको पूरा मिल्टन पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये पूरी जानकारी होगी। मैंने छोटी सी जानकारी आपको मिल्टन के बारे में दे दी। दोस्तों बात आती है इस पोयम की सोनेट नंबर 19। सोनेट नंबर 19 या ऑन हिज ब्लाइंडनेस या फिर बोले व्हेन आई कंसीडर, तो ये पोयम वो पोयम है जिसको मिल्टन ने लिखा था कब, जब मिल्टन हो गए थे ब्लाइंड। मिल्टन जो है जिस टाइम पीरियड में ब्लाइंड हो गए थे तो उस टाइम पीरियड में इस पोयम को इन्होंने लिखा था व्हेन आई कंसीडर। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिल्टन बहुत पढ़ते थे और आधी रात तक पढ़ते रहते थे, उन्होंने खुद ये वाली बात लिखी है, एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से ये बेसिकली हो जाते हैं ब्लाइंड। व्हेन आई कंसीडर, ये पहली ही लाइन को इस पोयम का टाइटल दे दिया गया है। वैसे सोनेट नंबर सीक्वेंस में 19 कहलाती है ये, और इसका जो टाइटल है जो इसे बेसिकली है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये टाइटल एक दूसरे राइटर ने दिया था जिसका नाम था थॉमस न्यूटन। थॉमस न्यूटन ने इस टाइटल को दिया था, थॉमस न्यूटन। इस पोयम की अगर मैं बात करूं तो ये पोयम आपकी बेसिकली कई तरह के पैटर्न्स को लेकर के चलती है, जिनमें से अगर खास इसका जो पैटर्न है वो है कि ये एक पेट्राकन पैटर्न की सोनेट है। तो जो पेट्राकन होती है सोनेट, तो उनमें क्या देखने को मिलता है आपको, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए पेट्राकन सोनेट जो होती है उसमें आपको 8+6 लाइंस का कॉम्बिनेशन मिलता है, मतलब 8 लाइन जो पहले शुरू की होती हैं उसे बोला जाता है ऑक्टेव। यानी अगर यहां से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहां तक अगर आप काउंट करें तो ये ऑक्टेव का इसका पार्ट है, ये यहां से यहां तक का ऑक्टेव कहलाएगा। ये ऑक्टेव होता है 8 लाइंस का स्टैंजा, और नीचे की ये जो 6 लाइंस आपको नजर आने वाली हैं तो इन 6 लाइंस के स्टैंजा को बोला जाता है सेस्टेट। और बीच में जो यहां पर टर्निंग ऑफ थॉट आता है तो उसे बोला जाता है वोल्टा, वी ओ एल टी ए।
ये जो पोयम है तो ये पोयम आपकी आयंबिक पेंटामीटर में लिखी हुई है, आयंबिक पेंटामीटर में, आई ए एम बी आई सी आयंबिक पेंटामीटर, आयंबिक पेंटामीटर आपको दोस्तों मिलने वाला है इसमें, ठीक है, आयंबिक पेंटामीटर। क्योंकि मोस्ट जो पोयम्स होती हैं सोनेट बेसिकली 14 लाइन की पोयम होती है तो उसमें आयंबिक पेंटामीटर ही होता है। तो ये एक पोयम के बारे में जानकारी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड में हो गया हूं। तो ये पोयम के बारे में बेसिक जानकारी है। अच्छा, सोनेट नंबर 19 ऐसा क्यों दिया जाता है, क्योंकि सोनेट जो है जैसे कि आपके मिल्टन है तो मिल्टन ने जो सोनेट लिखी उनकी 1, 2, 3, 4, जैसे शेक्सपियर के सोनेट को 154 तक नंबर किया गया है, ये वही पार्ट है। अब क्योंकि ये पेट्राकन सोनेट है, ऑक्टेव और सेस्टेट है, बीच में आपको वोल्टा मिलेगा, इसकी राइमिंग स्कीम वही होगी जो पेट्राकन सोनेट की होती है। क्या होती है राइमिंग स्कीम, तो इसकी ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। आप ये कैपिटल मत कंसीडर कीजिएगा कि अगर आप ये सोचने लगे कि ये कैपिटल क्यों होता है, एक बार एक स्टूडेंट ने पूछ लिया था कि सर ये कैपिटल कब होता है स्मॉल कब होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे लिखिए ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, ठीक है। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस वन पोयम। बेसिकली यहां पर जो पोयम के मेन थॉट है उन थॉट्स के बारे में बातचीत कर लेता हूं कि जैसे पोएट के पास एक पोएटिक टैलेंट है, वो पोएटिक टैलेंट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे पोएटिक टैलेंट कौन सा है, पोएट्री कंपोजिशन का टैलेंट पोएट का, भाई पोएटिक कंपोजिशन ही है। और पोएट जो है उसके आंखों की रोशनी चली गई है, तो पोएट शिकायत करता है गॉड से कि भाई मेरे आंखों की रोशनी इतनी जल्दी कैसे चली गई। तो अगर आंखों की रोशनी इतनी जल्दी चली गई है तब आप समझते हैं कि आंखों की रोशनी रिस्टोर तो होगी नहीं। तो मिल्टन का कहना है कि जो मेरे साथ टैलेंट है वो टैलेंट मेरा बेकार चला जाएगा, फिर क्या होगा कि मेरी डेथ होगी, और डेथ के बाद मैं कहां पहुंचूंगा, हेवन जाऊंगा। तो जहां पर जो डे ऑफ जजमेंट, बेसिकली ये एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है, डे ऑफ जजमेंट, मैं लिख नहीं रहा हूं वैसे भी बोर्ड वर्क पूरा फिल हो गया है। सो डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट का मतलब ये वो दिन जिस दिन बेसिकली जजमेंट होगा, है ना, वो अंतिम दिन जब भगवान के सामने पूरा लेखा जोखा दिया जाएगा, तो उस दिन मेरा क्या होगा क्योंकि मैं ट्रू अकाउंट नहीं दे पाऊंगा। बाद में फिर पोएट को रियलाइज होता है कि देखो ह्यूमन बींग के किसी भी वर्क की गॉड को जरूरत नहीं है, और गॉड की सेवा तो वो भी अच्छी करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हैं और अच्छी सेवा करते हैं गॉड की। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोयम। और बाकी आपको जो जानकारी मैंने यहां पर लिख कर बताई प्लीज आप नोट डाउन कर सकते हो, आराम से नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पोयम शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। मैं थोड़ा सा चाहूंगा इसे जूम कर लें क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मे भी थोड़ा क्लियर कम दिख रहा हो, तो मैं इसीलिए जूम कर देता हूं ताकि पूरा का पूरा क्लियर नजर आता रहे, है ना। व्हेन आई कंसीडर, पोएट कहता है व्हेन आई कंसीडर, जब मैं ये विचार करता हूं, सोचता हूं जब मैं, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कि मेरे आंखों की रोशनी चली कैसे गई, मेरे आंखों की रोशनी चली कैसे गई। क्योंकि जब मिल्टन 44 साल के थे, 44 साल के होने का मतलब है 1608 में अगर आप 44 ऐड करेंगे तो आपको जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, वो आएगा बेसिकली 1652, यानी इस ईयर में ब्लाइंड हो गए थे टोटली, और 1608 में इनका हुआ था बर्थ, और 1608 में बर्थ के बाद अगर दूसरी बात इंटरेस्टिंग हम लोग देखें, एक मिनट के लिए, यस, तो 1608 में इनका बर्थ हुआ था और 44 में इनकी जो है ब्लाइंड आंखों की आईसाइट चली गई थी, और ये ईयर था 1652 जब ये आईसाइट अपनी खो चुके थे। सो व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कि मेरे आंखों की रोशनी चली कैसे गई। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई, आर हाफ माई डेज, और हाफ माई डेज, कहना चाहते हैं कि यार अभी तो जीवन के आधे ही समय में जिया हूं। भाई 44 साल एक ऐसा कहिए कि एक मिडिल का टाइम पीरियड है अगर आदमी की औसत एज देखी जाए, है ना, 70, 80 या 60, अब आजकल थोड़ा सा औसत आयु गिर रही है। सो अर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और मतलब अभी मेरे जीवन के आधे दिन बाकी हैं और मैं कैसा रहूंगा इन दिस डार्क वर्ल्ड, तो ये मेरी जो ये दुनिया हो जाएगी, तो अब क्योंकि मुझे, मैं ब्लाइंड हो गया तो मुझे दिखेगा नहीं,
सो इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो मैं कहां रहूंगा इस डार्क वर्ल्ड में जो बड़ा विस्तृत है और बिना आई साइट के, तो भाई ये बड़ा ही मेरे लिए दिक्कत की बात होगी। खैर रहने की तो बात कहे मिल्टन ठीक है, बट एंड दैट वन टैलेंट, ये पूछा जाता है कि ये वन टैलेंट है क्या एक्चुअली में, ये एक्चुअली में वन टैलेंट है क्या, तो ये पोइट्री कंपोजिशन करने का टैलेंट। तो कहते हैं एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और जो एक टैलेंट है मेरे अंदर वो मेरी मृत्यु के साथ ही मेरे साथ ही क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। मतलब मेरी मृत्यु हुई फिर उसके बाद तो फिर नजर ही नहीं आने वाला है कुछ मुझे, है ना। विच इज डेथ टू हाइड, लॉस्ड विद मी यूजलेस, मेरी मृत्यु के साथ तो खत्म हो जाएगा लेकिन जब तक मैं मरूंगा नहीं तो मेरे साथ लॉस्ड करेगा, लॉस्ड विद मी मेरे साथ रहा आएगा, यूजलेस क्योंकि आंखें हैं नहीं तो लिखूंगा क्या। सही है, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, जो एक ही टैलेंट है वो मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा, लॉस्ड विद मी यूजलेस, और मेरे साथ कैसे चला जाएगा, ठहरा रहेगा, यूजलेस बेकार, मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। दो माई सोल मोर बेंट, लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे आत्मा की तो जो मेरी आत्मा है, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, लेकिन जो मेरी आत्मा है ना वो सेवा करने के लिए तत्पर है, ईश्वर की सेवा करने के लिए विनम्रता से तैयार है, ईश्वर की सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर यानी जिस निर्माता ने मेरा निर्माण किया है उस निर्माता की सेवा करने के लिए जो मेरी आत्मा है, आज भी उनके आदेश के लिए मैं बिल्कुल, अगर वो आदेश करें तो मैं तैयार हूं और मैं अपने मेकर की सेवा करना चाहता हूं एंड प्रेजेंट, और चाहता हूं मैं कि मैं प्रेजेंट कर सकूं, प्रस्तुत कर सकूं माय ट्रू अकाउंट, मेरा सही लेखा जोखा, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जिससे कि वो मुझे रिटर्न होने पर जब मैं मर करके जाऊं तो मुझे डांटे, है ना। लोग कहते नहीं कि जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं और उसके बाद मर के जाते हैं तो ईश्वर धर्म राज वो सब पूरा लेखा जोखा रखते हैं कि तुमने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। तो ये वही कह रहे हैं, यस टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि जिससे वो मुझे वापस जाने पर क्या करे, मुझे डांटे ना। डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। इसके बाद यहां पर अब प्रश्न करने वाले हैं आपके मिल्टन, मिल्टन भैया जी अब प्रश्न करते हैं, डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डेथ मतलब यहां पर डेथ समझिए, डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, कि क्या ईश्वर चाहता है कि मैं अभी भी दिन रात मेहनत करूं, लाइट डिनाइड जब मेरे आंखों पर भी रोशनी नहीं है, क्या उस समय भी ईश्वर चाहता है कि मैं काम करूं, आंखों की रोशनी है नहीं तो मैं काम कैसे करूं। डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस, फिर क्या था मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछ लिया था, बहुत ही उत्सुकता से। यहां पर बेसिकली ये रिटर्निंग चाइल्ड जो है ना ट्रू अकाउंट, तो ये डे ऑफ जजमेंट की यहीं पर बात करी गई है, डे ऑफ जजमेंट, ठीक है ग्रेट, तो ये याद रखेंगे। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मैंने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा लेकिन धैर्य ने मेरे मुझे रोक लिया, टू प्रिवेंट और रोका, दैट मर्मर जो मेरे अंदर में जो ये बड़बड़ा रहा था उसको रोक लिया। सून रिप्लाइज एंड दैट मर्मर, और इसी जो मैं बड़बड़ा रहा था उसी में एक उत्तर आया, God doth not need either man's work or his own gifts. ईश्वर को God doth not need, ईश्वर को एक भी जरूरत नहीं है either man's work, किसी मनुष्य के द्वारा किए गए किसी भी कार्य की, और his own gifts, भाई क्योंकि देखिए ईश्वर तो महान है। अब ईश्वर के पास ऐसी कौन सी कमी है कि हम ईश्वर के लिए कर सकते हैं, अब तो ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि ईश्वर को किसी मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार के दिए गए किए गए कार्य की जरूरत नहीं है, और ना ही वो चाहता है कि कोई मेरे लिए करे, क्योंकि बहुत सारे टैलेंट किसी को मिल जाते हैं
किसी को लिखने का टैलेंट, किसी को पढ़ाने का टैलेंट, किसी को गाने का टैलेंट, किसी को डांस करने का टैलेंट, तो ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, यहां पर अगर थोड़ा सा आप फोकस करें, चलिए मैं लास्ट में फोकस करवाऊंगा, राइमिंग स्कीम भी मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा इसकी, है ना। यस, आगे लिखते हैं हु, आगे लिखते हैं ये, यस, लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस ने, म्यूज ऑपरेशन, उसने मुझे रोक लिया, की एंड दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और फिर उसी मर्मर से जो ये एक मैं सोच विचार कर रहा था वहां से ही मुझे एक जवाब मिला बहुत ही जल्दी, गॉड डथ नॉट नीड, कि ईश्वर को जरूरत नहीं है ईदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स, मनुष्य के द्वारा किए गए किसी भी कार्य की या उसके द्वारा प्रदान किए गए गिफ्ट की, गिफ्ट मतलब कोई भी टैलेंट या कोई चीज जो दे दे गॉड आप, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो इंसान बेस्ट बियर, हु बेस्ट बियर, जो इंसान बर्दाश्त करता है हिल्ड माइल्ड योक, हिज माइल्ड योक, उसके द्वारा दी गई तमाम सारी परिस्थितियों को, जीवन के हर तरह के संघर्ष को, दे सर्व हिम बेस्ट, यानी कि ईश्वर की प्रदत्त तमाम सारी जो चीजें हैं, क्योंकि अगर वो अच्छा देता है तो कुछ और भी दे सकता है, थोड़ा बुरा भी हो सकता है, यानी कि जीवन की हर एक परिस्थिति को जो इंसान खुशी से क्या करता है, बर्दाश्त करता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वो लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, उनकी से ईश्वर के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है, क्यों, हिज स्टेट इज किंगली, क्योंकि उसका जो स्टेट है ना, उसकी जो एक स्थिति है वो क्या है, वो राजाओं का राजा है ना, वो राजाओं, हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, क्योंकि वो किंगली स्टेट वाला है, यानी वो राजाओं का राजा है, एंड थाउजेंड्स, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और अगर ईश्वर एक बार आदेश दे तो हजारों देवदूत बिडिंग स्पीड, ये समझिए कि बहुत ही तेज गति से, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, कहीं भी हो चले जाएंगे, यानी कि उनका मैसेज गॉड के जो देवदूत है वो चारों तरफ फैला देंगे, लैंड ओशन कहीं पर भी हो, विदाउट रेस्ट, और उनको किसी रेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, इसीलिए ईश्वर की सच्ची सेवा वो करते हैं जो अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हैं कि ईश्वर मुझे कोई अवसर दे कोई कार्य करने का और मैं उस कार्य को करूंगा, बस, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो जीवन में स्थिर रह करके करते क्या है, प्रतीक्षा करते हैं उचित समय की, वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पोयम है, इस पोयम में अगर आप देखें तो देखिए चेंज ऑफ थॉट भी आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी पोयम मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने जैसा कि बताया कि जो 8 लाइंस है ये ऑक्टेव है, इनकी राइमिंग स्कीम की तरफ अगर आप देखें तो देखिए स्पेंट है तो ये ए हो जाएगा, वाइड है तो ये बी हो जाएगा, फिर स्पेंट है और ये हाइड है, वाइड और हाइड तो ये देखिए बी होगा, और स्पेंट है ये बेंट है तो ये हो जाएगा ए, ए बी बी ए, और फिर इधर देखिएगा स्पेंट है ये देखिए प्रेजेंट है तो ये ए होगा, चाइड है तो ये देखिए हाइड है तो ये भी बी हो जाएगा, ये डिनाइड है तो ये भी बी होगा, प्रिवेंट है तो देखिए प्रेजेंट से मिलता है ये भी बी होगा, ए होगा, ए बी बी ए, ये देखिए आपकी राइमिंग स्कीम बन रही है ना, ए बी बी ए, ये राइमिंग स्कीम आपकी बन गई। फिर अगर आप इधर देखें ये 8 लाइन आपकी हो जाती हैं, तो यहां पर आपका वोल्टा मिलता है, टर्निंग पॉइंट है ना, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंट टू प्रिवेंट, लेकिन पेशेंट ने मुझे रोक लिया, एंड दैट मर्मर सून रिप्लाइज, देखिए थॉट चेंज हो गया ना, कि मैं जो सोच रहा था उसका एक अलग जवाब आने लगा। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये 6 लाइन वाला, ये है सेस्टेट का पार्ट, जो पेट्राकन सोनेट का पार्ट होता है सेस्टेट, है ना। अब आप इधर देख लीजिए तो इधर ए बी बी ए, अब ये देखिए नीड ऐसा कहीं आपको नहीं मिलने वाला है तो ये सी हो जाएगा, बेस्ट आपको ऐसा कहीं मैचिंग वाला वर्ड नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा डी,
और इसी तरह से स्टेट, ये हो जाएगा ई, सी डी ई, और फिर हो जाएगा नीड स्पीड, तो ये हो जाएगा सी, बेस्ट और रेस्ट ये हो जाएगा डी, स्टेट और वेट ये हो जाएगा ई. तो सी डी ई सी डी ई, ये राइमिंग स्कीम आपको मिल जाती है इस पर्टिकुलर सोनेट की. अ वंडरफुल सोनेट, आयंबिक पेंटामीटर में लिखी हुई ये सोनेट है आपकी, है ना. और बाकी राइमिंग स्कीम तो यही है, पेट्राकन पैटर्न है. और इसका जो टाइटल है वो टॉमस न्यूटन ने बाद में से दिया था, यानी इसका दूसरा वाला टाइटल. तो ये है दोस्तों आपकी पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको मैंने आपको लाइन बाय लाइन समरी के साथ आपके साथ पढ़ाने की कोशिश करी, सो दैट कि अच्छा लगे आपको भी और मुझे भी अच्छा लगे, है ना. और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, क्योंकि जो बहुत ही जरूरी पार्ट होता है, अच्छे से समझाना ही सब कुछ होता है. तो कैसी लगी आपकी, आपको ये पोयम, प्लीज जरूर बताइएगा. और अगर आप यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप मुझे अनअकैडमी दी लर्निंग ऐप पर डेफिनेटली फॉलो करें, क्योंकि यहां पर मैं आपको यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स, ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, अनअकैडमी दी लर्निंग ऐप, जहां पर मैं आपको यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराता हूं. और यहां आपको फ्री क्लासेस और स्पेशल क्लासेस दोनों तरह की, फ्री स्पेशल क्लासेस और पेड क्लासेस, जहां पर आपको पेपर वन पेपर टू पीडीएफ मटेरियल, साथ में लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन और टेस्ट सीरीज, सारा कुछ आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहता है यूजीसी नेट के लिए. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो प्लीज अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके वहां पर मुझे आप फॉलो कीजिएगा. अभी जैसे आजकल, अब डेट जो भी है आपकी, आज 25th of May है 2023, तो जैसे अभी इस समय मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं शाम के 8:30 पर, जो सबके लिए फ्री होती है टोटली. अब ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसीलिए अगर आप फॉलो करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है क्लासेस का टाइमिंग अलोन, क्योंकि अभी जून में एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए प्रैक्टिस करवाते हैं. सो थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार, अपना रखिएगा ख्याल. अगली क्लास में मैं फिर आऊंगा किसी नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.